दोस्तों आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग जो हाल ही में जारी हुई है। बात करेंगे टेबल पॉइंट्स की, रैंकिंग्स की, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करना जरूरी है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, देखिए कल पहला ओडीआई टीम इंडिया ने खेला और जो शानदार तरीके से बल्लेबाजी हुई है, गेंदबाजी हुई है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस नजर आया रोहित शर्मा की कप्तानी में। और देखिए उससे पहले इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की टी20 सीरीज भी हुई थी, जिसमें हमने देखा कि टी20 सीरीज भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिए। और उसके बाद पहला ओडीआई, अभी देखिए 3 ओडीआई भी होने हैं जिसमें से एक पहला हो ही चुका है। और जिस तरह से गेंदबाजी की दोस्तों अगर स्पेशली हम बात करें, जसप्रीत बुमराह की जो ताबड़तोड़ गेंदबाजी कल हमें देखने को मिली है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका कल निखर के आया। 6 विकेट लिए हैं, जी हाँ, और पहले ओवर में देखिए 2 विकेट चटका दिए थे जसप्रीत बुमराह ने। साथ ही देखिए मोहम्मद शमी की अगर बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, तो दोनों खिलाड़ियों ने भी विकेट चटकाए और बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी हुई। और जिस तरह से देखिए बल्लेबाजी का जब समय आया, 110 रन अगर मैं बात करूं टीम इंग्लैंड ने बनाए थे और बहुत ही शानदार तरीके से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने साझेदारी निभाई और बिना विकेट गिराए कल का मैच अपने नाम कर लिया है दोस्तों। और इसी का देखिए सीधा असर हुआ है टीम इंडिया को ओडीआई रैंकिंग्स में। देखिए अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जब ओडीआई मैच स्टार्ट होने से पहले टीम इंडिया के पॉइंट्स थे 105 और जैसे ही मैच जीता ओडीआई का, वैसे ही टीम इंडिया के ओडीआई पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो हो गए थे 108। और अगर रैंकिंग की अगर बात की जाए, देखिए तीसरे नंबर पर पाकिस्तान बनी हुई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन कल जिस तरह से टीम इंडिया ने जीत हासिल करी है, पाकिस्तान को रिप्लेस करके टीम इंडिया पहुंच चुकी है ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 3 पर और पॉइंट्स टेबल है 108। और देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पाकिस्तान एक नंबर नीचे, जी हां, फोर्थ पोजीशन पे आ गई है और पॉइंट्स हैं 106। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक तीर से 2 निशाने जरूर लगे हैं। टीम इंग्लैंड को जिस तरीके से देखिए मात दिए है, टी20 की अगर मैं बात करूं, ओडीआई की बात करूं, ऊपर से अगर ओडीआई रैंकिंग्स की भी बात की जाए, और देखिए दोस्तों अगर मैं टॉप 5 रैंकिंग्स की अगर बात की जाए ओडीआई रैंकिंग्स देखें, तो नंबर 1 टीम बनी हुई है न्यूजीलैंड, और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 127 पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड के। वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात करूं तो इंग्लैंड है 122 पॉइंट्स के साथ। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टीम इंडिया एक नंबर ऊपर पहुंचेगी, यानी कि नंबर 3 पे टीम इंडिया आ चुकी है ओडीआई रैंकिंग्स में, और पॉइंट्स टेबल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो 108 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे बनी हुई है। वहीं फोर्थ रैंकिंग पे है पाकिस्तान 106 पॉइंट्स के साथ और 5 पे है ऑस्ट्रेलिया 101 पॉइंट्स के साथ। तो ये थी देखिए ओडीआई रैंकिंग टॉप 5 की, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और टीम इंडिया को एक बड़ा फायदा इसमें जरूर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात होती है दोस्तों, क्योंकि अब दूसरा ओडीआई होने वाला है जो कि कल है, और अगर मैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो 5:30 बजे शाम को ये मैच स्टार्ट होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और देखना होगा कि जिस तरह से बुमराह, जिस तरह से देखिए परफॉर्मेंस उनकी जो नजर आ रही है, जो निखर के उनकी गेंदबाजी आ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद है कि टीम इंडिया कल का भी मैच जीते, और कहीं ना कहीं देखिए टीम इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, बैक टू बैक हार के बाद टीम इंग्लैंड में वो हंगर, वो भूख जरूर होगी कल का मैच जीतने के लिए। तो देखिए कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला, और देखना होगा कि कौन सी टीम कल जीतने वाली है कल का मैच। हालांकि टीम इंडिया से उम्मीद है कि जिस तरह से टी20 अपने नाम करा, कल का मैच अपने नाम करा, तो कल का मैच भी अपने नाम करे। ऐसी तमाम स्पोर्ट्स की जानकारी से दोस्तों आप जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस। थैंक यू।